हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इस चैप्टर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंजाई। आपको पता होगा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर ने दिया था उनके अंदर जो किंगडम्स प्रेजेंट थे दोज वेयर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया वॉज देयर। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ये तीनों किंगडम डिस्कस किए गए हैं अंडर द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया इन दोनों के सेपरेट चैप्टर्स दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो आज हम चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट किंगडम मोनेरा। और इसके इम्पोर्टेंस को देखें तो ये आपके डे टू डे लाइफ में आपकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है जो फंजाई होते हैं, और उसके साथ साथ नीट के अंदर भी काफ़ी प्रीवेलेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किंगडम फंजाई से। और इसका रिलेशन, इस टॉपिक का रिलेशन आपके बाद के चैप्टर्स के साथ भी है, बिकॉज जो फंजाई होते हैं वो आपको इकोसिस्टम के अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। फंजाई जो होते हैं वो प्लांट किंगडम के बहुत सारे प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं, सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग किंगडम फंजाई को लेके। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे द जनरल इंट्रोडक्शन या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। जनरल कैरेक्टर स्टडी करने में हमारा खासा ध्यान होगा किंगडम फंजाई के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। किंगडम फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन के मोड्स देखे जाते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत अलग अलग टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है फंजाई के अंदर वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर समझना चाहिए। और फिर एट लास्ट वी विल स्टडी द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। तो फंजाई के जो क्लासेस है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, अलग अलग क्लासेस के बारे में कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, जैसा कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की कंपेरेटिव स्टडी की थी। नाउ वी विल लर्न सम जनरल कैरेक्टर्स किंगडम फंजाई के। सबसे पहले तो फंजाई की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू हेयर एड हेयर इज स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। जो फंजाई के अकरेंस के बारे में बात करें तो फंजाई इज फाउंड एवरीवेयर एंड जस्ट लाइक बैक्टीरिया इट्स कॉस्मोपॉलिटन। तो जो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे पाए जाते हैं उनको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ये जो वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब होता है अकरिंग एवरीवेयर। नाउ अगर हम बात करें इनके हैबिटेट के बारे में, हर जगह तो होते ही हैं, मतलब कि ये आपको एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी मिल जाएंगे, और ये आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब लैंड के ऊपर भी मिल जाएंगे। बट अगर हम बात करें तो दे आर मोस्टली, ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द फंजाई होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को प्रेफर करते हैं, एंड एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर पाए तो जाते हैं बट ओनली फ्यू ऑफ द फंजाई इज़ फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर अलग अलग प्लेस पे जब ये रहते हैं तो इनको अलग अलग टर्म्स से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक इफ़ दे आर ग्रोइंग, अगर फंजाई ट्री बार्क के ऊपर पाया जाएगा तब इनको हम कॉर्टिकुलस कहते हैं, कॉर्टिकुलस फंजाई। अगर ये डंग के ऊपर पाए जाएंगे, डंग या एक्सक्रीटा के ऊपर पाए जाएंगे तो दे आर कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस फंजाई। ये जो वर्ड है कॉप्रो, इस वर्ड का मतलब ही होता है एक्सक्रीटा या वेस्ट या डंग। अगर ये वुड के ऊपर पाए जाएंगे, सम ऑफ द फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन वुड्स,
तो फिर इनको हम एपिजाइलिक भी कहते हैं। इफ दे आर फाउंड ऑन बर्ड वुड दे आर कॉल्ड एज जाइलोफिलिक। कभी कभी जले हुए लकड़ियों के जो अंश होते हैं उसके ऊपर भी फंजाई ग्रो करते हैं, तो सच फंजाई आर कॉल्ड एज जाइलोफिलिक। सम ऑफ द फंजाई आर फाउंड ऑन हेयर्स, हेयर्स पे भी पाए जाते हैं, एनिमल के हेयर्स पे, और समटाइम्स ऑल्सो फाउंड ऑन थ्रोन्स, देन दे आर कॉल्ड एज केराटिडोफिलस। आपको पता होगा कि केराटिन इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि हेयर्स और नेल्स वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ फंजाई, दैट इज इट्स न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो दे आर हेटरोट्रॉप्स। ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं एंड इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल इज एब्सेंट। तो क्लोरोप्लास्ट के एब्सेंट होने के कारण दे डू नॉट शो फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम हेटरोट्रॉपिक के बारे में बात करें तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनमें कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, लाइक दे कैन शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स हो सकते हैं ये होस्ट के ऊपर फीड करने वाले, या फिर ये सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है दो ऑर्गेनिज्म का ऐसा एक एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता हो, या फिर ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं। सेप्रोफिटिक को कई बार आप एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हो। अगर हम सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो फंजाई जो होते हैं वो बहुत सारे प्लांट ग्रुप्स के साथ इनका एसोसिएशन देखने को मिलता है, लाइक जब ये हाइयर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स के साथ अगर अपना एसोसिएशन शो करते हो तब उस एसोसिएशन का नाम होता है माइकोराइजा। एंड व्हेन दे शो देयर एसोसिएशन विथ द लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, तो फंजाई का लोअर प्लांट्स के साथ जो एसोसिएशन होता है दैट इज कॉल्ड एज लाइकेन। अब अगर हैबिटेट के बारे में एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो फंजाई जो होते हैं दे आर बेसिकली एसिडिक कंडीशन को ये पसंद करते हैं। तो फंजाई और बैक्टीरिया आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन की जो फिनोमेना होती है जिससे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वापस मिनरल्स में कन्वर्ट होकर सॉइल के अंदर मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, तो वो काम फंजाई और बैक्टीरिया ही करते हैं। तो फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। तो अगर ये ना हो तो सॉइल के अंदर मिनरल का एडिशन जो होगा वो रुक जाएगा, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा अगर फंजाई और बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया जाए हमारे इकोसिस्टम से। तो अगर मैं बात करूँ फंजाई की तो फंजाई को एसिडिक इन्वायरमेंट सूट करता है, सो फंजाई इज एसिडोफिलिक। वेयरएज अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया मोस्टली ट्राई टू ग्रो ऑन बेसिक मीडियम, सो दे लव अल्कलाइन मीडियम। नाउ जनरल कैरेक्टर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। अगर फंजाई के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फंजाई कैन बी बोथ यूनिसेलुलर और इट कैन बी मल्टी सेलुलर। फंजाई की बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल की भी बनी हो सकती है और इट कैन बी मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स ऑल्सो। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों कंडीशंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं यूनिसेलुलर फंजाई के बारे में बात करूँ तो ईस्ट आपको पता है बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो ईस्ट के बारे में, सो इट्स अ यूनिसेलुलर फंजाई। और अगर बात करें मल्टीसेलुलर फंजाई की तो मल्टीसेलुलर फंजाई के बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम।
ये माइसीलियम क्या होता है एक बार इसके बारे में हम जानेंगे। तो फंजाई के बॉडी के अंदर आप देखोगे ना तो बहुत सारे फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम हाइफे कहते हैं। तो फंगल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और ये जो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और ये जो ब्रांच्ड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हैं फंजाई के बॉडी के अंदर इनको हम कहते हैं हाइफे। तो फंजाई के बॉडी के जो ब्रांच्ड फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम हाइफे कहते हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ हाइफे, जब बहुत सारे हाइफे एग्रीगेट करते हैं कंबाइंड साथ में प्रेजेंट होते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड एज माइसीलियम। एंड अ ग्रुप ऑफ हाइफे विच फॉर्म्स द बॉडी ऑफ फंजाई, बॉडी ऑफ फंजाई, बॉडी कह लो या बॉडी के अंदर आपको ना ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन एब्सेंट है, इसीलिए इनके बॉडी को हम थैलस भी कहते हैं। तो फॉर्म्स द बॉडी और थैलस ऑफ फंजाई, और फंजाई की बॉडी या थैलस को आप माइसीलियम कहते हो। माइसीलियम जो है ना ये बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हुआ है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। सो माइसीलियम इज़ नॉट अ टिश्यू। बहुत सारे सेल्स के ये बने हुए तो हैं बट वो सारे सेल्स आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करते हैं। सो वी कैन से कि माइसीलियम इज़ नॉट अ ट्रू टिश्यू। ट्रू टिश्यू एंड हेंस इसको हम लूज टिश्यू भी कहते हैं। इनको हम लूज टिश्यू कहते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रोटिस्टा के अंदर हमने जो पढ़ा था कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है प्रोटिस्टा की वो सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइव किंगडम के अंदर मल्टी सेलुलरिटी सबसे पहले कौन से किंगडम के अंदर आई, तो योर आंसर शुड बी किंगडम फंजाई। बट फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट हैं, बट ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन इज़ लैकिंग। सो इसीलिए हम इसको ट्रू टिश्यू ना कह के लूज टिश्यू कहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब हम लोग माइसीलियम के टाइप्स को देखेंगे। तो माइसीलियम के टाइप्स के बारे में बात करें तो माइसीलियम्स कैन बी सेप्टेट और एसेप्टेट डिपेंडिंग अपॉन कि उनके बीच में वॉल प्रेजेंट है या नहीं। इट कैन बी एसेप्टेट और इट कैन बी सेप्टेट। सेप्टा का मतलब होता है वॉल। तो ऐसे फंगल हाइफे जिनके ऐसे फंगल बॉडी जिनके हाइफे के अंदर वॉल क्रॉस वॉल प्रेजेंट है उनको हम सेप्टेट माइसीलियम कहेंगे, और जहाँ पे क्रॉस वॉल इज एब्सेंट उसको हम एसेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। आई विल शो इट विथ यू अ डायग्राम। जैसे कि सपोज आई एम ड्राइंग अ सिंगल माइसीलियम, तो सपोज दिस इज अ माइसीलियम और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, और इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स के अंदर दीज आर द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो आप देख रहे हो कि ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लिया यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके बीच में क्रॉस वॉल इज़ एब्सेंट। तो किसी भी टाइप की क्रॉस वॉल जो है ना यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसलिए इस माइसीलियम को हम कहते हैं एसेप्टेट माइसीलियम। और इस कंडीशन को हम सिनोसिटिक भी कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन इसको कहते हैं। तो फंगल हाइफे कैन बी एसेप्टेट और इट कैन बी सेप्टेट। तो अभी मैं सेप्टेट माइसीलियम बनाऊंगा। सेप्टेट माइसीलियम इज़ दैट माइसीलियम जिसके अंदर न्यूक्लियाई के बीच में क्रॉस वॉल इज़ प्रेजेंट। सो लेट मी ड्रॉ हियर अ क्रॉस वॉल। तो ये जो आप न्यूक्लियाई देख रहे हो फंजाई के फिलामेंट के अंदर,
अगर इनके बीच में वॉल्स प्रेजेंट हैं देन क्रॉस वॉल जो है ये इसको हम कहते हैं सेप्टा। तो अगर दो फिलामेंट के दो सेल के बीच में अगर क्रॉस वॉल प्रेजेंट हो तो इस टाइप के माइसीलियम को सेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। अब सेप्टेट माइसीलियम की बात करूँ तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी प्राइमरी माइसीलियम और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। एंड सेकेंडरी माइसीलियम या फिर डाइकैरियोटिक माइसीलियम। सो सेकेंडरी या डाइकैरियोटिक माइसीलियम का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। तो आपको पता है माइसीलियम के अंदर अगर क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज सेप्टेट। एंड डाइकैरियोटिक, कैरियो वर्ड वी यूज फॉर न्यूक्लियस, कैरियो वर्ड इज यूज फॉर न्यूक्लियस। तो डाइकैरियोटिक का मतलब कि हर एक क्रॉस वॉल के बीच में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, सो इट इज़ कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो प्राइमरी या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम ये जो हमने यहाँ पे बनाई है इट रिप्रेजेंट्स प्राइमरी और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। सेप्टा का मतलब होता है वॉल, और सेकेंडरी या डाइकैरियोटिक माइसीलियम का मतलब होता है ऐसा फंगल हाइफे जिसके बीच में क्रॉस वॉल्स के बीच में अगर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो तो इस टाइप की कंडीशन को हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहेंगे। अगर हम बात करें जनरली मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं ना उनकी बॉडी जो होती है उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है और जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फंजाई हैव सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम। Now let us talk about the cellular structure of fungi. And for that purpose हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे फंजाई के माइसीलियम का। आपको पता है कि फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं, तो we will draw mycelium here. So the outermost portion of the body of the fungi that will be formed by the cell wall. आपको पता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने सेल वॉल के बेसिस पे कंपैरिजन किया था अलग अलग किंगडम्स को। देन वी कम टू नो कि सेल वॉल फंजाई के अंदर इज प्रेजेंट एंड द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। पिछले क्लास में हमने सेल वॉल के बारे में स्टडी किया था, डिनोफ्लैजलेट्स के बारे में, यूग्लिनॉइड्स के बारे में और डायएटम्स के बारे में। तो हमें पता चला था कि सेल वॉल डिनोफ्लैजलेट्स के बने होते हैं सेलुलोज और पेक्टिन के। वहीं पे सेलुलोज और सेल का कॉम्पोजिशन होता है डायएटम्स के सेल वॉल का, और यूग्लिना के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, जहाँ पर उसकी जगह पर प्रेजेंट होती है एक प्रोटीन की कवरिंग जिसको हम पेलिकल कहते हैं। तो सेल वॉल कॉम्पोजिशन सारे ऑर्गेनिज्म का इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट और ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा। नाउ सेल वॉल के अंदर द अनदर लेयर विच इज़ प्रेजेंट दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज सम ऑफ द इन्वेजिनेशन, कुछ इनग्रोथ शो करती हैं। आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनग्रोथ हमने स्टडी किया है इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया, जहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनग्रोथ को हम मीजोजोम कहते हैं। बट यहाँ पे फंजाई के केस में जो इनग्रोथ है उसको मीजोजोम ना कह के हम कुछ और टर्म करते हैं। आई विल बी राइटिंग इट हियर नाउ। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के इन फोल्डिंग्स को यहाँ पे हम लोमेलोजोम्स कहते हैं, लोमाजोम्स। एंड इनसाइड द बॉडी इट्स सिंस इट्स अ यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल की तरह ही यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विल बी देयर। सो दिस इज द न्यूक्लियस आई हैव ड्रॉन हेयर। न्यूक्लियस के साथ साथ दूसरे भी सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लाइक आई एम मेकिंग हेयर गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज जो होती है फंजाई की, उसके केस में आपको ध्यान क्या रखना है, नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडीज़,
उसका स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत सारे सिस्टर्ने जो होते हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं, बट फंजाई के केस में गॉल्जी बॉडीज इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल सिस्टर्ने एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज यूनिसिस्टर्निक कंडीशन. यूनिसिस्टर्निक कंडीशन दैट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ फंजाई. इसके साथ साथ देर विल बी एसोसिएशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ. देन देर विल बी प्रेजेंस ऑफ एटीएस राइबोसोम, राइबोसोम्स एटीएस टाइप के प्रेजेंट होंगे. रिजर्व फूड प्रेजेंट होगा फंजाई के अंदर. और अगर मैं रिजर्व फूड के बारे में बात करूँ तो रिजर्व फूड इन फंजाई कैन बी ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है एज अ रिजर्व फूड. उसके साथ साथ सम ऑयल्स आर प्रेजेंट. अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ये सब भी प्रेजेंट होंगे. सिंस इट्स अ यूकैरियोटिक सेल तो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. सो दिस इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फंजाई. अगर हम बात करें लोमाजोम की तो दे इंक्रीज सरफेस एरिया और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से ये बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को फास्ट करते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. तो फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो फंजाई हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. तो फंजाई को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है. टू डिविजन्स हैव बीन फॉर्म्ड. फर्स्ट इज कॉल्ड एज ओमाइकोटा एंड सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड यूमाइकोटा. दिस ओमाइकोटा ग्रुप, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव फंजाई. And U-mycota consists of the advanced group of fungi. Now, the primitive group of fungi, it is divided into further two more classes. दो और classes होती हैं, which is the oomycetes and the zygomycetes. And this oomycetes and zygomycetes are together called as phycomycetes. इनको हम साथ में phycomycetes भी कह सकते हैं. यही टर्म इस्तेमाल किया गया है oomycetes और zygomycetes को एक्सप्लेन करने के लिए इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. और अगर हम दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, एडवांस फंजाई के क्लासेस के बारे में बात करें, तो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस. और इनके तीनों क्लासेस कुछ इस प्रकार से हैं. ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं. देन एस्कोमाइसिटीज एंड देन द बेसिडियोमाइसिटीज. अब अपने अगले क्लास में हम अलग अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई. थैंक यू.